संसद में देश का आम बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण समाप्त कर चुकी हैं। देश का पहला पेपरलेस बजट पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री ने इसे मेड इन इंडिया टैबलेट से पढ़ा। सांसदों को भी बजट उनके मोबाइल पर मिला। आप भी पढ़ना चाहें तो यूनियन बजट ऐप से बजट को पढ़ सकते हैं। मोदी सरकार में पहले भी कई चीजें पहली बार हुई हैं। 2020 में पहली बार दो तरह का टैक्स सिस्टम आया। 2019 में 159 साल पुरानी ब्रीफकेस में बजट डॉक्यूमेंट ले जाने की परंपरा खत्म हुई। 2018 में पहली बार देश में बनी चीजों के दाम बजट के बाद बड़े घटे नहीं। 2017 में 52 साल में पहली बार रेल बजट पेश नहीं हुआ। ऐसे कई उदाहरण हैं। आइए जानते हैं इस बार के बजट में क्या नया है, साथ ही ये भी जानते हैं कि बजट में कब क्या पहली बार हुआ। ये पहला मौका है जब बजट को पेपर प्रिंट नहीं किया गया। पहले वित्त मंत्रालय की प्रेस में बजट डॉक्यूमेंट प्रिंट होते थे। करीब 100 कर्मचारी इससे जुड़े होते थे जो बजट डॉक्यूमेंट प्रिंट होने, सील होने और बजट के दिन डिलीवर किए जाने तक करीब 15 दिन साथ रहते थे। इस दौरान ये लोग घर भी नहीं जाते थे। इनके पास न तो इंटरनेट की सुविधा होती है, न ही मोबाइल फोन होता है। इस साल कोरोना के चलते बजट की सॉफ्ट कॉपी साझा की गई। शुक्रवार को सभी सांसदों को इकोनॉमिक सर्वे की भी सॉफ्ट कॉपी दी गई। बजट के लिए यूनियन बजट नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। वित्त मंत्रालय ने 6 जनवरी को ये ऐप लॉन्च किया। इस ऐप पर वित्त मंत्री के भाषण के बाद बजट से जुड़े 14 डॉक्यूमेंट सांसदों और आम लोगों के लिए मौजूद हैं। अब बात करते हैं मोदी सरकार के पिछले 7 बजट में जो पहली बार हुआ। 2020, पहली बार दो तरह के टैक्स का सिस्टम आया। निर्मला सीतारमण ने दो तरह के टैक्स सिस्टम का ऐलान किया। नए ऑप्शन में होम लोन, पीएफ सहित सभी छूट खत्म कर दी गई। सिर्फ एनपीएस पर लाभ मिलता है। नया विकल्प उनके लिए बेहतर है जो आय के दायरे में आने के बावजूद बचत नहीं कर पाते। 2019, 159 साल में पहली बार बजट नहीं वही खाता पेश किया गया। जुलाई 2019 में निर्मला सीतारमण बजट ब्रीफकेस लेकर संसद नहीं पहुंची। उनके हाथ में ब्रीफकेस की जगह लाल रंग का फोल्डर था। इसे बजट की जगह वही खाता कहा गया। 159 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब बजट ब्रीफकेस का इस्तेमाल नहीं हुआ। 2018, पहली बार देश में बना कोई सामान सस्ता या महंगा नहीं हुआ। 1 जुलाई 2017 को देश में GST लागू हुआ। तब से देश में बने सामानों की कीमत GST काउंसिल तय करती है। सरकार के पास बजट के लिए एक्साइज और कस्टम ड्यूटी बची हैं। अब विदेश से आने वाली चीज़ों की कस्टम ड्यूटी बढ़ने घटने पर उस चीज़ के दाम बढ़ते या घटते हैं। 2017, 92 साल में पहली बार रेल बजट पेश नहीं किया गया। 1924 में पहली बार रेल बजट पेश किया गया। 1947 में देश की आज़ादी के बाद पहली बार रेल मंत्री जॉन मथाई ने रेल बजट पेश किया। 1994 में पहली बार रेल बजट का प्रसारण टीवी पर किया गया। 92 साल बाद 2017 में पहली बार रेल बजट आम बजट का हिस्सा हो गया। 2017, 1 फरवरी को बजट पेश किया गया। पहली बार बजट 1 फरवरी को पेश किया गया। इससे पहले चुनावी साल को छोड़कर आम बजट फरवरी के लास्ट वर्किंग डे को पेश किया जाता था। चुनावी साल में अंतरिम बजट फरवरी के लास्ट वर्किंग डे को पेश होता था। नई सरकार के गठन के बाद आम बजट पेश होता था। 2016, पत्रकारों के लिए नहीं छपा बजट। पहली बार बजट की हार्ड कॉपी पत्रकारों को नहीं दी गई। इससे पहले हर बार वित्त मंत्री का बजट भाषण पूरा होने के बाद पत्रकारों को बजट की कॉपी दी जाती थी। उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे पर्यावरण को बचाने के लिए उठाया गया कदम बताया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि बजट सेशन में हुए बदलाव सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार में किए गए हों, बल्कि इससे पहले भी सरकारें आईं और गईं और इस दौरान कुछ नया, कुछ ऐसा बदलाव देखने को मिला जो इतिहास बन गया। और शायद इन्हीं इतिहासों के बदलाव से मिलकर भविष्य के बदलाव भी हो रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं मोदी सरकार से पहले बजट में हुए बदलावों की। 1999, पहली बार सुबह 11 बजे बजट पेश हुआ। 27 फरवरी 1999 को पहली बार बजट सुबह 11 बजे पेश किया गया। पहले ये शाम 5 बजे पेश होता था।
अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत इसलिए की थी ताकि ब्रिटेन की संसद में बैठे सांसद रेडियो पर सुन सकें, क्योंकि भारत में जब शाम के 5 बजते हैं तो ब्रिटेन में सुबह के 11:30 बजते हैं। 1965 इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले आया। पहली बार बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ ही पेश किया जाता था। इसकी शुरुआत 1950 से हुई थी। 1955 पहली बार बजट डॉक्यूमेंट हिंदी में भी छपे। पहले ये सिर्फ अंग्रेजी में छपते थे। 1950 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को वित्त मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था। 26 नवंबर 1947 आजादी के बाद पहला बजट देश के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। ये बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक की अवधि के लिए था। 1947 लियाकत अली खान पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत की अंतरिम सरकार का बजट पेश किया था। विभाजन के बाद लियाकत अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। वो अभिभावित भारत का बजट पेश करने वाले आखिरी व्यक्ति थे। 1860 7 अप्रैल 1860 को भारत का पहला बजट ब्रिटिश संसद में स्क्वाटिश बिजनेसमैन जेम्स विलियम्स ने पेश किया था। तब भी बजट दस्तावेजों को एक चमड़े के थैले में भी लेकर गए थे। सरकार साल भर में कहां से कितना कमाएगी और कहां कितना खर्च करेगी, इसी का हिसाब किताब होता है बजट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। बजट का असर हम सब पर पड़ता है, इसलिए इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम बजट को नहीं समझेंगे तब तक हम सरकार द्वारा हमारे लिए किए जा रहे फैसलों को भी नहीं समझ पाएंगे।